हाँ probability शुरू करेंगे आज। probability का मतलब क्या है कौन बताएगा मुझे? What is the probability of something happening? कुछ कोई भी event होने का क्या चांस क्या है कुछ भी होने का या ना होने का? हाँ मतलब समझो मैंने एक कॉइन लिया, कॉइन टॉस किया, कॉइन के ऊपर क्या होता है, एक साइड में हेड्स होता है, एक साइड में टेल्स होता है, तो हेड्स आने का चांस कितना है और टेल्स आने का चांस कितना है? सो वन आउट ऑफ व्हाट? देयर आर टू थिंग्स राइट, टू, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, एक तो हेड्स है या तो टेल्स है, तो हेड्स आने का चांस कितना है? 50% चांस हेड्स आने का, 50% चांस टेल्स आने का है, हाफ ऑफ चांस है कि नहीं दोनों का? हाफ मतलब क्या, 1/2, 1/2 चांसेस इज हेड्स, 1/2 चांसेस फॉर टेल्स, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उसी के इक्वल इक्वल चांस है, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ओके प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस कि कितना, व्हाट आर द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग। ओके तो लास्ट ईयर 9th सेट में तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी था, उसमें तुम लोगों को एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी था, क्या शिकोलास नव्हतं? शायद नव्हतं, नव्हतं शिकोलो। ओके असाइनमेंट केले होतं, असाइनमेंट केलं होतं फक्त, सिर्फ असाइनमेंट था हा। ओके लेकिन फिर यार फॉर्मूला याद है क्या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का? सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी उस वक्त क्या क्या करते थे तुम लोग, कि तुम लोगों को बोला जाता था सपोज इट कॉइन टॉस ही है या ओके, तो 1000 टाइम्स अगर कॉइन टॉस किया तो उसमें से कितने बार हेड्स आया वो देखते थे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, वो एक्चुअली ट्रायल लेके, ये क्या होता था ट्रायल, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन ट्रायल्स टेकन, एक्चुअल ट्रायल्स। ओके पर वो हर बार देखो, अगर तुमने 1000 बार तुमने कॉइन टॉस किया उसमें से 501 टाइम्स हेड्स आ गया, बाकी 499 टाइम्स तुम्हारा टेल्स आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम और 1000 बार तुम वापस से करोगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे, आएंगे क्या तुम्हारे? नहीं आएंगे। इट कैन ऑन ट्रायल टू ट्रायल बेसिस रिजल्ट्स कैन डिफर राइट। ओके तो हम लोग इस साल जो हम लोग प्रोबेबिलिटी देखने वाले दैट इज क्लासिकल या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग बेस्ड ऑन अजम्पशंस, हम लोग कैलकुलेशन के बेस्ड हम लोग के ऊपर बेस्ड बोलेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑन द ऑफ द एक्चुअल ट्रायल, हम लोग बस फॉर्मूला लगाएंगे और बताएंगे कि इतनी इतनी में प्रोबेबिलिटी। ओके तो हम लोग पहले देखते हैं कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो लास्ट टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या था। सो तुम लोग लिख लो ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी is equal to number of trials in which the event happened divided by total number of trials। तो ये जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली किसके ऊपर है? इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रायल्स। हाँ सिर्फ फॉर्मूला लगा के हम लोग नहीं बोल रहे, एक्चुअल ट्रायल के ऊपर बेस्ड ये प्रोबेबिलिटी है। ओके प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? पी ऑफ ई, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, ओके नॉट फॉर एम्पिरिकल। पी ऑफ ई इज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग। ओके इस साल हम लोग क्या पढ़ेंगे? थियोरेटिकल इसको थियोरेटिकल भी बोलते हैं और इसको क्लासिकल भी बोलते हैं, सो यू कैन डू थियोरेटिकल ऑब्लिक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसको भी पी ऑफ ई बोलेंगे हम लोग, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E divided by number of all possible outcomes। ये फॉर्मूला देखो, इसका मतलब हम लोग समझ के लेंगे वाली। देखो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई मीन्स दैट इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अभी हम लोग एक कॉइन टॉसिंग का हमने बात की थी, कॉइन में कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स होते हैं,
हेड्स और टेल्स होते हैं. तो व्हाट इज द चांस ऑफ इफ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल टू ई कितने हैं? एक ही है, हेड, हेड का एक ही है. और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड या तो टेल हो सकता है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टू आउटकम्स आर पॉसिबल. मैक्सिमम पॉसिबल टू ही चीजें हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है. उसमें से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? वन. हेड कितना है? एक ही हेड है ना, वन आउट ऑफ टू. अभी मैं ये एक ही हेड क्यों बोल रही हूँ? अगर दो कॉइन साइमल्टेनियसली ले लिया हमने, अगर दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस हो गए, ओके, तो दो कॉइन्स में कितने क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इसमें दो कॉइन्स है, दोनों में एक साइड में हेड और एक साइड में टेल है, करेक्ट. तो दो कॉइन्स में दोनों में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल्स है, तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल चीजें क्या हो सकती है जब हम लोग दोनों ही साइमल्टेनियस टॉसिंग करेंगे? एक में दोनों में हेड्स आते हैं, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. दोनों में टेल्स, एक में हेड और एक में टेल आता है, फिर इसमें टेल और इसमें हेड आता है, और दोनों में टेल्स आ गए, टोटल क्या हो मेरी? टोटल फोर पॉसिबिलिटीज आते हैं. ओके, फिर अगर तुम्हें पूछा जाए कि दोनों हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हैविंग बोथ हेड्स, तो उसमें से क्या है? वन आउट ऑफ फोर. आर यू गेटिंग इट? नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल टू ई, ई में क्या पूछा है क्वेश्चन को समझो. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, ऐसे पूछेंगे. तो बोथ हेड्स का पॉसिबिलिटी कितना है? एट. देयर इज ओनली वन प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ हाउ मेनी? फोर. फोर. सो वन आउट ऑफ फोर किसका है? सपोज दे आस्क यू व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? इसमें है, इसमें है, इसमें भी एक है. सो थ्री आउट ऑफ फोर. ओके, सो बोथ हेड्स का, चलो ऐसे दिखा दे, P of both heads is equal to 1 upon 4. ये समझ में आया? पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक चाहिए, दोनों होंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, है ना. फिर सिमिलरली एटलीस्ट वन टेल भी 3 आउट ऑफ 4 होगा, एंड बोथ टेल्स भी अगेन 1 आउट ऑफ 4, समझा? Probability of both tails is equal to 1 out of 4. समझा? Now, अगर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, possibility of getting either head or tail, मतलब कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, तो ये चारों के चारों चलेंगे. 4 out of 4 means it comes to what? 1. Okay? So, we'll come to the types of probability, जिसमें हमें probability sure. इसमें अभी अभी मैंने क्या बोला, कोई भी चलेगा इवेंट में, या हेड भी चल जाएगा, टेल भी चल जाएगा, तो टॉस में कुछ भी आएगा तो चलेगा हमें. ओके, तो हर एक इसमें आ जाता है, मतलब 4 आउट ऑफ 4 मतलब अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. श्योर शॉट आने ही वाला है, जो जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वो तो आने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट. ओके, सो विल एक काम करो, तुम लोग यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स. अच्छा, ये चीज तुम लोग नोट कर लो, ये परसेंटेजेस में या डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं. 1/4 इज 25%, मतलब 0.25 बोलते हैं उसको डेसिमल्स में. हाफ इज 50% डेसिमल्स में 0.5. 3/4 इज 75% डेसिमल्स में 0.75. 1 इज 100%, दैट इज 1.0 भी बोल सकते हो उसको. देखो कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं. एलिमेंट्री इवेंट, दैट इज इवेंट्स हैविंग ओनली वन आउटकम. इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर हेड्स, दोनों हेड्स आने का चांस हमने देखा था, क्या था? एक ही चांस था ना. ओनली वन आउटकम वाज आउट ऑफ फोर वाज हैविंग बोथ हेड्स. ओके, या अगर एक ही कॉइन टॉस किया तो पी ऑफ हेड इज गॉट 1/2. एक ही हेड आ सकता है ना, या टेल्स भी एक ही आ सकता है एक कॉइन में. या फिर अभी तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल है, एक बैग है, बैग कंटेंस वन रेड बॉल, वन ब्लू बॉल एंड वन येलो बॉल. ओके, सो बैक कंटेंट्स व्हाट? वन ब्लू, वन रेड एंड वन येलो बॉल. ओके, अभी बिना सब एक ही साइज के, ऐसा नहीं कि हाथ से कुछ अलग साइज का निकालो. ओके, सो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग वन ब्लू बॉल? वन. आउटकम वन ब्लू बॉल का एक ही आउटकम हो सकता है, वन रेड बॉल का भी एक ही आउटकम हो सकता है,
एंड बात येलो बॉल का एक ही आउटकम हो सकता है. आउट ऑफ व्हाट टोटल आउटकम्स कितना है? तीन आउटकम्स है. सो तीनों के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 1 out of 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑल्सो 1 out of 3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज ऑल्सो 1 out of 3. तो ये जो तीनों एक ही बॉल है, ब्लू बॉल है, इसलिए देयर कैन बी ओनली 1 आउटकम. ओके, सो एंड सो दीज एलिमेंट, दीज प्रोबेबिलिटीज आर कॉल्ड, और दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स. अच्छा, यहाँ पे अगर हमें पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ वाई अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या आएगा? 1 + 1 + 1 = 3. 3/3 मतलब क्या? आंसर विल बी 1. सो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो उसका सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. क्या आएगा? 1. द सम ऑफ ऑल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, लिखो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. यहाँ पे इसके नीचे लिखो ऐसे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. और ये भी लिखो तुम, ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, बैग कंटेन्स वन ब्लू वन रेड एंड वन येलो बॉल. अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मैंने क्या लिखा है? पी ऑफ सम इवेंट नॉट हैपनिंग. अभी हमारा यहाँ पे जब वी हैड अ बैग कंटेनिंग वन वन ब्लू वन रेड एंड वन येलो बॉल, करेक्ट? क्या था? वन बी वन रेड एंड वन येलो बॉल. ओके, अभी हमारा वी हैड सीन दैट से सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल वाज हाउ मच? 1/3, करेक्ट? ये समझ में आया. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ येलो बॉल, नॉट येलो, नॉट येलो में कौन सा नॉट येलो? ब्लू भी नॉट येलो, रेड भी नॉट येलो. सो येलो के का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है गेटिंग अ येलो बॉल इज 1 इवेंट, एंड नॉट गेटिंग नॉट येलो वाला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा. समझा? So, P of probability of not getting a yellow ball, not yellow, yellow and not yellow, these two will be complementary. Not yellow मतलब ये छोड़ दो, yellow छोड़ दो, कितने ball से blue भी चलेगा, red भी चलेगा. So, possible outcomes कितने हैं? 2. Out of total outcomes कितने हैं? 3. So, probability of getting a yellow ball and probability of not getting a yellow ball, so these are complementary events. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग. ओके, इन दोनों का तुम अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा? पी ऑफ येलो प्लस पी ऑफ नॉट येलो मिलके कितना आएगा? देखो 1/3 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू अगेन 3/3 मतलब इक्वल टू 1 आएगा. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट हैपनिंग को हम लोग पी ऑफ ई बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग बोलते हैं पी ऑफ ई बार. ओके, समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड पी ऑफ ई, एक काम करो इधर ही लिखते हो, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार is always going to be equal to 1. Okay? Or you can say, अगर तुम्हें P of E bar निकालने को बोला, तो you can थोड़ा सा twist करेंगे, ये इस तरह ले लिया तो क्या हो जाता है? Minus हो जाता है. So you can say, यहाँ पे लिखते हो अभी के लिए, P of E bar is equal to 1 minus P of E. वैसे ही तुम लोग P of E को क्या बोल लिखते हो? 1 minus P of E bar. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी को कितनी है दोनों की? सम इज 1. ओके, एक दिया होगा नॉट वाला दिया होगा तो उसमें 1 में से उतना माइनस करोगे तो तुम्हें इवेंट मिलेगा, इवेंट दिया होगा
वन माइनस वो वन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधा तुम्हें नॉट वाला इवेंट मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री. ओके अंडरस्टूड. ये लिखो व्हाट यू राइट इज, इसके नीचे ये लिखो, फिर ये लिखो, इसके नीचे ये दोनों भी लिखो, फिर ये एग्जाम्पल लिखो. ओके श्योर इवेंट मतलब इवेंट विच इज श्योर टू हैपन, सर्टनली हैपनिंग. ओके सपोज हमने हमारे पास एक डाई है, डाइस है एग्जाम मतलब सॉरी हम लोग क्या करते हैं कुछ भी बोर्ड गेम खेलते हैं ना, है ना, उसमें क्या होता है वन टू थ्री है ना. तो बेसिकली एक तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पॉसिबिलिटीज है टोटल. ओके अगर तुम्हें पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन सेवन मतलब गेटिंग लेस देन सेवन, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन सेवन सिक्स अपॉन सिक्स क्योंकि सारे के सारे नंबर लेस देन सेवन है सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वन पर, मतलब इट इज अ श्योर इवेंट. श्योरली कोई भी नंबर आया तो इट इज गोइंग टू बी लेस देन सेवन, सो इट इज अ श्योर इवेंट या इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्टन इवेंट. और उसके ऐसे सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन. ओके अभी इम्पॉसिबल इवेंट अगर इसी डाइस के इसमें अगर हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन ही बोल दो, चलो सेवन है क्या इसमें नहीं नहीं क्या है प्रोबेबिलिटी जीरो जीरो मतलब जीरो जीरो को मिलती है जीरो. सो प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो मतलब पॉसिबल है क्या ऐसा होना, इट इज इम्पॉसिबल. सो सच अ टाइप ऑफ इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो. सो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन एंड ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ओके और बाकी सारे जो इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी वेयर विल इट लाई, इट विल लाई बिटवीन जीरो एंड वन. सो कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू वन. अंडरस्टूड. सो ये बहुत अच्छे से याद रखो, इसके ऊपर बेस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, देखो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 देखो.